हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पार्श्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विषभुजी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया, कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोक हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। सेनापति अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे, दोनों वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार पहुंच गए हैं। गुप्तचरों का कहना है वो लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी में हैं। ये समाचार लंका में आग के समान फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है कि युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। पूज्य माल्यवान जी, आपको भी डर लग रहा है क्या? शांत युवराज, माल्यवान हमारे बड़े हैं, बुद्धिमान हैं। हम उनसे सहमत न हो, परंतु उनके मत का भी हमें आदर करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या उपस्थित हुई, हमने आप सबसे विचार विमर्श करके ही कोई कदम उठाया है। उस दिन सभा में बांध कर लाए गए वानर हनुमान के वध का विचार भी विभीषण की राय ना होने के कारण हमने त्याग दिया। वही तो भूल कर दी। उसी दिन उस ढीठ बंदर को खत्म कर देते तो आज ये समस्या ही सामने ना आती। ना वो जीता वापस जाता, ना उन लोगों को यहाँ का कुछ पता चलता। अभी भी कौन सी समस्या जटिल हो गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का अर्थ ये नहीं कि वो 100 योजन अर्थात 400 कोस का विशाल दुर्गम समुद्र लांघकर सेना के साथ लंका आ जाएंगे। सेनापति अकंपन, कम से कम आप तो ऐसी बात मुख से ना निकालो। आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि राम का पराक्रम कैसा था। सारे जनस्थान से केवल आप और शूर्पणखा ही युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा सके थे। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया था, अर्थात हमारी लंका नगरी अब दुर्गम नहीं रही। फिर उस अकेले वानर ने सारी लंका को आग लगा दी और हमारे बड़े बड़े शूरवीर महाबली नगर के रक्षक देखते रह गए। इसका अर्थ यह है महाराज कि हमारी सुरक्षा की दीवारें भी अब अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाबली लंकेश्वर, श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। क्षमा लंकेश्वर, मेरा मत यह है कि राम के साथ शत्रुता हमने स्वयं मोल ली थी। किसी भी समय पर उन्होंने प्रथम प्रहार नहीं किया। सबसे पहले बहन शूर्पणखा ने ही वहां जाकर छेड़छाड़ की। खरदूषण ने बिना विचारे अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुता का व्यवहार किया। उस पर सबसे बढ़कर अनीतिपूर्ण कार्य किया आपने, उनकी पत्नी का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। विभीषण, जी हाँ महाराज, हमने ही भूल की है और हमें ही अपनी भूल का सुधार करके देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। पिताश्री, हमारे गौरवशाली त्रिलोक विजयी राक्षस कुल में
ये छोटे काका विभीषण ही सदा सबसे अलग और बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं हैं, हम परम पुण्यात्मा महर्षि पुलत्स के वंशज हैं। तो आप भी एक बाण के भय से भागे हुए मरीच मामा की तरह भगवा वस्त्र धारण करके किसी ऋषि के आश्रम में धूनी क्यों नहीं रमाते? यहां लंका में किस लालच से रह रहे हैं? तात मेघनाद, ऐसी दम भरी निरर्थक बात करना, अपने बड़ों से अशिष्टता बरतना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं, देवताओं के गर्व को दलन करने वाला, बड़े बड़े शूरवीर दैत्यों नागों के कुल को शोक मग्न करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत को उखाड़कर देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर पृथ्वी पर पटकने वाला इंद्रजीत एक अनुभवहीन बालक। पिताश्री, वन में भटकने वाले दो मानव, उनके साथ कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भय शब्द तो रावण के शब्दकोश में है ही नहीं, और नर तथा वानर तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। महाराज दशानन, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल राजा नहीं हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, जिन्हें आप साधारण वनवासी नर कहकर उपेक्षा कर रहे हैं, उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, विराट कबंध और विराद, खरदूषण, त्रिशरा, जगत का सबसे महाबली बाली, ये सब उनके बाणों का निशाना बनकर यमलोक सिधार गए। जिस वानर का आप उपहास कर रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह लंका के कोने कोने में जलकर भस्म हुई अट्टालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका के प्राचीरों और आग में गलकर गिरे स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विश्रवा वंश के हित की बात कह रहा हूं। हित की बात कर रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं? मैं धर्म तथा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं वत्स इंद्रजीत। गलत राय देकर पद भ्रष्ट करने वाले चाटुकार मंत्रियों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। जिस राजा के ऐसे मंत्री गुरु और वैद्य हों, जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा निजी लाभ की आशा से उसके हित की सच्ची बात नहीं कहते तथा उसे प्रसन्न रखने के लिए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, उस राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा, क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पार्श्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया, कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोक हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है
वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है, हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है, जा। भैया मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा, जा लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं
कि वो आपको सद्बुद्धि दे। कहीं चला